एलविश यादव ने सलमान खान के साथ शेर की तस्वीर लिखा, तुम भी बहुत करीब थे, अब बहुत बदल गए। यूपी में कमेंट पास कर रहे बाइक सवार युवकों को लड़की ने बीस सड़क पर पीटा, सामने आया वीडियो। पटना में धनतेरस पर 2500 करोड़ का हुआ कारोबार, लोगों ने 500 करोड़ के खरीदे सोने चांदी। अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में दिवाली पर हुई सजावट की तस्वीर आई सामने। अब भगवान का दिया सबसे अच्छा तोहफा हो, राघव के जन्मदिन पर अनदेखी तस्वीर शेयर कर परिणीति। फर्जी कॉल सेंटर घोटाला मामले में ईडी ने बंगाल में जब्त की 67 करोड़ की संपत्ति। पटना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का आज चौथा दिन, लोहिया पथ पर जाने से पुलिस ने रोका। बिहार में बीपीएससी द्वारा चयनित हुए सभी नए शिक्षकों को दिया जाएगा टैबलेट। पटना में दरोगा भर्ती के नाम पर 8.8 लाख ठगने वाला सीआरपीएफ का पूर्व सिपाही हुआ अरेस्ट। बिहार के सीएम नीतीश के मेरी मूर्खता से सीएम बना बयान के खिलाफ धरने पर बैठे जीतन राम मांझी।